हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज। दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है और इसमें ऐसी ऐसी अजब गजब जगह हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 5 अनबिलीवेबल जगहों के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इंटरनल फ्लेम फॉल्स और चेड पार्क न्यूयॉर्क। यहां पर एक छोटा सा झरना बहता है जिसमें एक जलती हुई लौ दिखाई देती है। देखने वालों को आश्चर्य होता है कि आखिर यह लौ जल कैसे रही है। शोध करने वाले वैज्ञानिकों को पता चला कि वहाँ पर चट्टानों के नीचे से मीथेन गैस निकलती है। संभावना है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किसी ने इस मीथेन गैस में आग लगा दी होगी, तब से लगातार यह जल रही है। भारत में भी हिमाचल के कांगड़ा में स्थित माता के एक प्रमुख शक्तिपीठ ज्वालामुखी देवी के मंदिर में 9 प्राकृतिक ज्वाला प्राचीन काल से निरंतर जल रही हैं। ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर पर जमी बर्फ में एक जगह ऐसी भी है जहां से लाल रंग का झरना बहता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस झरने से खून बह रहा हो। वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए लेकिन कोई निश्चित नतीजा नहीं निकाल पाए। उनका एक अनुमान यह भी है कि इस जगह पर बर्फ के नीचे शायद लौह तत्व की अधिकता है जो कि पानी को लाल रंग देते हैं, लेकिन आज भी इस झरने की पहेली सुलझ नहीं पाई है और यह आज भी रहस्य बना हुआ है। मैग्नेटिक हिल माउंटेन न्यू ब्रंसबक। यह मैग्नेटिक हिल अपने आप में खास है। इस हिल पर ऐसा मैग्नेटिक प्रभाव है कि बिना स्टार्ट किए ही गाड़ी चलने लगती है। इस हिल का पता 1930 में चला था। इस जगह के रहस्य के बारे में पता लगाने का काम अभी भी जारी है। यह जगह आज एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। हमारे भारत के लद्दाख में भी एक मैग्नेटिक हिल है, खिसकते पत्थर डेथ वैली। डेथ वैली में कुछ पत्थरों का खुद ब खुद खिसकना नासा के लिए भी पहेली है। रेस्ट रेक प्लाया 2.5 मील उत्तर से दक्षिण और 1.25 मील पूर्व से पश्चिम तक बिल्कुल सपाट है, लेकिन यहाँ ऐसे 150 से भी अधिक पत्थर हैं। हालांकि किसी ने उन्हें आंखों से खिसकते नहीं देखा है। सर्दियों में ये पत्थर करीब 250 मीटर से ज्यादा दूर तक खिसकते मिलते हैं। 1972 में इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई। टीम ने पत्थरों के एक ग्रुप का नामकरण कर उस पर 7 साल रिसर्च की। केरिन नाम का लगभग 317 किलोग्राम का पत्थर अध्ययन के दौरान बिल्कुल भी नहीं हिला, लेकिन जब वैज्ञानिक कुछ साल बाद यहां वापस आए तो उन्होंने केरिन को 1 किलोमीटर दूर पाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि तेज हवाओं के कारण ऐसा होता है। सरकते आइसलैंड। यह आइसलैंड भी किसी रहस्य से कम नहीं है। 1963 में यहाँ पर पानी के अंदर से अचानक एक ज्वालामुखी फटा। ज्वालामुखी में लगातार 1967 तक विस्फोट होते रहे और ज्वालामुखी का आकार और ऊंचाई बढ़ती रही। 1967 में जब ज्वालामुखी शांत हुआ तो यहाँ एक आइलैंड बन चुका था। दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ रहस्यमय जगह। आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग जगह कौन सी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।